न्यायालय परिसर स्थित ऑफिसर सभागार में बुधवार को उपखंड स्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजन किया गया। नवनियुक्त उपखंड अधिकारी मृदु सिंह के सानिध्य में आयोजित बैठक में उपखंड के विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों ने शिरकत की। बैठक के दौरान SDM सिंह ने उपस्थित अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों से परिचय करते हुए विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों ने अपने अपने विभागों की कार्य प्रणाली की जानकारी देते हुए विभागीय कार्यों की प्रगति तथा समीक्षा प्रस्तुत की। बैठक के दौरान SDM सिंह ने उपस्थित सभी से विभागीय गतिविधियां जारी रखते हुए राज्य सरकार के मंशा का ध्यान में रखते हुए शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की सफल क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों का दायित्व है कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आमजन तक सहज तथा सुगम तरीके से पहुंचे। योजनाओं के लाभ के लिए आमजन को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बैठक में चिकित्सा, विद्युत, जलदाय सहित अन्य विभागों के अधिकारियों से सर्दी के मौसम को देखते हुए सभी प्रकार की तैयारियां रखने के निर्देश दिए। नगर परिषद प्रशासन को शहर में साफ सफाई के साथ साथ अस्थायी अतिक्रमण को हटवाने के निर्देश दिए। इस दौरान उपस्थित विभागीय अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों ने अपने अपने विभागों की ओर से किए जाने वाले कार्यों की जानकारी देते हुए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक के दौरान तहसीलदार मोहन सिंह राजावत, पशुपालन विभाग से डॉक्टर जावेद हुसैन, रसद विभाग से रेणुका चतुर्वेदी, विशाल सिंह, हंसा जोशी, संतोष सिंह चौहान, कृषि विभाग से विनोद कुमार छाजेट, नगर परिषद से सहायक प्रशासनिक अधिकारी दमयंती जयपाल, सुरेश काठात, खनन विभाग से श्याम कापड़ी, जवाजा SHO मानवेंद्र सिंह तथा शलभ टंडन सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी प्रतिनिधि उपस्थित थे।